हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बर्थडे कार्ड, टेडी बियर बर्थडे कार्ड, जो कि बच्चों के लिए हम बनाने जा रहे हैं। तो इसके आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। मैं जो अब बनाने जा रही हूँ तो मैंने डार्क रेड कलर का लिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको फोल्ड करते हैं। ये बहुत इजी कार्ड है, बहुत इजीली बन जाता है और जल्दी बन जाता है। ये मैंने ईयर्स देखिए, इसमें जैसे ईयर्स बने हुए हैं, मैंने ईयर्स पहले से ही काट के रखी हूँ मैं। हम इसमें स्टिक कर देंगे ईयर्स को वाइट पेपर के साथ। आप इसमें कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। यहाँ पे आप वाइट की जगह ब्लैक ले सकते हो, आपको जैसा पसंद है बिल्कुल वैसा कॉम्बिनेशन ले सकते हो। बहुत इजी कार्ड होता है, बहुत जल्दी ही बन जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। देखिए, हमने अपने ईयर्स भी कर लिए हैं। अब जैसे इस कार्ड में ऊपर से राउंड बना हुआ है, उस तरीके से हम पहले इस कार्ड में भी राउंड बनाएंगे। इसको कट कर लेंगे, को कट करके सेपरेट कर लेंगे। आप स्केल से करके देख लीजिए कि दोनों के कॉर्नर्स एक सेम आने चाहिए। मेरे सेम नहीं थे तो मैं इसको सेम कर दे रही हूँ और उसको थोड़ा सा राउंड कर ले रही हूँ। कर लिया मैंने इसका राउंड्स को, मैंने थोड़ा सा राउंड करना है। देखिए, अब ये बिल्कुल सही हो गया है। इसकी जो किनारी थी, इसमें वाइट वाइट मुझे दिख रहा था, तो उसको क्लियरिटी के लिए मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पे हम इस तरीके का वाइट से, या आप जो भी कॉम्बिनेशन करना चाहते हो वो कट कर लोगे, जो कि मैंने पहले से कट करके रखा हुआ है। अब मैं इसको स्टिक कर लूँगी। मैं अपने ईयर्स जो इसमें मैंने लगाए हैं उसको भी स्टिक कर लूँगी। ये से स्टिक करने के बाद आप इस तरह से राउंड नोज कट कर लीजिए। ओवल शेप का ये मैंने यहाँ पे इसको लगा लिया। देन आप ग्लिटर शीट से या प्लेन पेपर से भी आप ब्लैक आइज बना सकते हैं, या आप चाहें तो ब्राउन भी बन सकती है। वैसे ब्लैक ही ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए, मैंने इसमें लगा दिया। और ये मैंने नोज कट करके रखी हुई है। देखिए, इसको यहाँ पे लगाते हैं। अब आपको हमें स्केच पेन से इसका माउथ बनाना होगा और यहाँ पे इसको डबल कर लीजिए, थोड़ा सा मोटा कर लीजिए।
देखिए कितना इजीली ये कार्ड बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी ये कार्ड बन के रेडी हो चुका है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो के आने की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।